हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं सत्यम हूं और बेसिकली मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से आता हूं, ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से आता हूं। तो मैंने सोचा बहुत लोग को जानने की इच्छा होती है लाइक टेक्निकल सेक्शंस जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, जो भी कोई भी बाइक खरीदता है, कार खरीदता है, तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, वो जानना चाहते हैं लाइक इंजन के डिटेल्स एंड ऑल। तो काफ़ी लोग उस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता एक्चुअली। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए और जो भी मुझे नॉलेज है मैं शेयर करूं। तो ये वीडियो बेसिकली जो अभी हुस्कवर्ना की नई बाइक लॉन्च हुई है आपकी 250 विद प्लेन एंड एक उसका और जो है, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे दूँ आपको, हुस्कवर्ना क्या है, कहाँ कौन सी ब्रांड है। स्वीडिश ब्रांड है पर ये KTM के द्वारा एक्वायर कर ली गई, लाइक ख़रीद ली गई। एंड दूसरी बात, KTM में जो है बजाज का लाइक 51% स्टेक है, शेयर है। तो कह सकते हो कि बजाज के अंदर KTM आती है और KTM के अंदर हुस्कवर्ना आती है, तो ओवरऑल ये बजाज के अंदर आती है। एंड दूसरी चीज़ तो, और इसी कारण से हम इसको लोकली प्रोड्यूस होते हुए देख भी पा रहे हैं। इंडिया में लॉन्च हुई है तो दिस इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में लॉन्च मुश्किल होता है। अगर लॉन्च होते भी तो ओवर प्राइज होते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो अब ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसलिए इसका प्राइस रिजनेबल है, इसके बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के को देखते हुए। तो ये ओवरव्यू था। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल सेक्शन के बारे में, टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। तो जो आपका हुस्कवर्ना है वो बेसिकली, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो, अगर आप बॉडी वर्क्स हटा दो तो KTM 250 एंड योर हुस्कवर्ना इज़ ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम से मेरा मतलब है जो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक आपका व्हील बेस हो गया, चैसी हो गई, आपका जो स्टीयरिंग एंगल है, दे आर सेम, सब सेम है। डिफरेंस क्या है, जो उनके रिम प्रोफाइल्स हैं, जो उनका व्हील है, व्हील इनफैक्ट व्हील रेडियस भी सेम है। डिफरेंस क्या है, जो उसका व्हील रिम है ना, रिम इज़ डिफरेंट, लाइक उनमें प्रोफाइल्स डिफरेंट है, डिज़ाइनिंग सेम है, लाइक डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। तो ऐसे देखो तो दे आर सेम, बट अगर ओवरऑल एज अ बाइक देखो तो दे आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है बताता हूँ। सबसे पहले डिफरेंट क्यों है, तो डिफरेंट है वो अपने वेट की वजह से। KTM का ओवरऑल वेट 250 का इज़ 169 kgs एंड आपका जो ये हुस्कवर्ना है इट्स 152 kgs एंड लाइक 17 kg का डिफरेंस है। एंड 17 kg अगर आप परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में देखोगे, परफॉर्मेंस बाइक्स या कार्स में देखोगे, इट्स अ ह्यूज थिंग, लाइक पावर टू वेट रेशियो पे दिस मेक्स अ लाइक ह्यूज डिफरेंस। तो क्या है ये पावर टू वेट रेशियो। अब क्या है कि इंजन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो अगर आप उसको कम वेट दोगे तो इंजन को कम रेजिस्टेंस होगा, लाइक पावर जो उसने पावर डेवलप किया वो व्हील्स पे जाता है और व्हील्स को पुल करना होता है, इंजन को बेसिकली घुमाता है थ्रू स्प्रॉकेट एंड ऑल। बट होता क्या, अगर आप ज़्यादा वेट रखोगे तो व्हील्स पे जो वर्टिकल लोड है वो ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो घूमने में लाइक रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा उनको। बट अगर वेट कम होगा तो उनको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो यहाँ पे हुस्कवर्ना के पास एडवांटेज है, क्योंकि पावर एंड टॉर्क फिगर सेम है दोनों में। 248.8 सेंटीमीटर क्यूब का इंजन है, दोनों DOHC इंजन है, दोनों लिक्विड कूलिंग है, इनफैक्ट दोनों इंजन सेम है। पावर फिगर्स की बात छोड़ो, लेकिन अगर पावर फिगर्स को डिस्कस करना है तो लाइक सेम, लाइक बोर स्ट्रोक सेम है। अगर इंजन को कंपेयर करना है तो क्या कंपेयर करोगे, बोर एंड स्ट्रोक, उनका फ्यूल सिस्टम। तो अगर इस चीज़ को मतलब अगर आप देखते हो तो लाइक बोर जो है 72 mm है एंड स्ट्रोक 61.1 mm है। 250 KTM का भी है, हुस्कवर्ना का भी। अब ये सेम है तो ऑब्वियसली पावर डिलीवरी भी सेम है, क्योंकि इंजन सेम है, इनका जो सॉफ्टवेयर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक सेम है। तो अब आपने देखा कि जो स्ट्रोक है वो कम है बोर से, 72 mm कंपेयर टू 61.1 mm। तो यू कैन सी कि जो बोर है इज लॉन्गर, लाइक बिगर देन योर स्ट्रोक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। और शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की खासियत क्या है, शॉर्ट स्ट्रोक इंजन हाई रेविंग होते हैं। हाई रेविंग मतलब वो आसानी से हायर RPM को अचीव कर सकते हैं। उन पर बिना लोड है, लाइक वो इसी के लिए डिज़ाइन ही किए होते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस दे सकें। तो अगर आप यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी देख रहे हो तो भाई भूल जाओ, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स की एक खासियत है आरपीएम इजीली डेवलप करते हैं या गेन करते हैं, तो एक डिमेरिट भी है कि वो बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, या उनका इंजन हीटअप जल्दी हो रहा है। तो इसका क्या अब हीट कैसे जनरेट होता है? पेट्रोल के बर्निंग से। तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, इसका मतलब आपका फ्यूल भी ज़्यादा बर्न हो रहा होगा ना, तो इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी तो आप लाइक इग्नोर करो। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी देख रहे हो तो ऐसे बाइक्स खरीदो ही मत, ठीक है। अब आता है कि जो उनका पावर फिगर्स है, पावर फिगर्स एग्जैक्टली सेम है, लाइक दोनों 30 हॉर्स पावर बनाते हैं, 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 9000 आरपीएम पे उनका मैक्सिमम पावर आता है एंड 7500 आरपीएम पे मैक्सिमम टॉर्क आता है, ये भी सेम है। लेकिन अगर आप लाइक टॉप एंड देखोगे, रेस करते हो, तो आई थिंक हुस्कवर्ना को एज मिलना चाहिए। दो कारण हैं, एक तो कि वेट कम है, मेन कारण तो यही है कि वेट कम है, तो जो आपका सेकेंड्स में बात होता है जैसे 0 to 60, 0 to 100, इस पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि लेसर द वेट मोर यू गेट द परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर इंजन, ठीक है। तो पावर टू वेट रेशियो। दूसरा, KTM का अगर आप बॉडी बॉक्स देखोगे तो थोड़ा सा फैंसी है, और उसके वजह से उसमें जो प्रोफाइल्स हैं वो थोड़े साइड में निकले हुए हैं, तो उनसे भी एक खासियत है कि देखने में अच्छे लगते हैं, बट अगर एज अ इंजीनियर देखो तो भाई उनके साथ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? तो एरोडाइनमिक्स होती है। अब एरोडाइनमिक्स में क्या है कि अगर आप ज़्यादा बॉडी वर्क्स दोगे तो एयर को पास होने के लिए जगह कम है, लाइक एयर को रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और अगर एयर को रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा तो आफ्टर ऑल उसका जो परिणाम है वो आपके बाइक पे जाएगा। लाइक अगर सपोज आपका बाइक 60 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है, तो अगर दो बाइक है, हुस्कवर्ना और KTM को ले लो, तो दोनों पे एक एरोडाइनमिक लोड लग रहा होगा। और अब अगर KTM में ज़्यादा कट्स हैं एंड शेप्स हैं तो हवा वहाँ पर ब्लॉक ज़्यादा होएगी, हुस्कवर्ना में है नहीं, तो वहाँ पर हवा कम ब्लॉक होगी, करेक्ट। तो अगर जहाँ पे ज़्यादा हवा ब्लॉक होगी वहाँ पे एरोडाइनमिक लोड ज़्यादा होगा, तो इंजन को उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और वो आपका जो टाइमिंग है ना उस पर डिफरेंस लाएगा। तो मेरा मतलब ये था कि अगर एरोडाइनमिक लोड ज़्यादा है तो वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है। तो आई थिंक ऑन पेपर्स जिस हिसाब से दिख रहा है तो हुस्कवर्ना शुड हैव एन एज, लाइक हुस्कवर्ना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा रेसिंग में। लाइक इन सिटी देखोगे तो डजेंट मैटर, क्योंकि सिटी में वैसा कोई रेस होना नहीं है जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल फिगर्स मिलेंगे। और फ्यूल एफिशिएंसी के बात भी करूँ तो ऑलमोस्ट सेम आएगा, एक दो का अंतर हो सकता है वेट के वजह से। बाकी जो राइडिंग पोजीशन है डिफरेंट है, KTM का डिफरेंट है, एंड चूँकि आपका हुस्कवर्ना एक स्क्रैम्बलर है तो इसका भी डिफरेंट है। एंड मतलब मोस्टली टेक्निकल फिगर्स की बात करें तो ये है, और ये मेरे तरफ से लाइक मेरा थॉट है एज ए इंजीनियर। मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए इसमें, एरोडाइनमिक लोड एंड ऑल, तो वो सब। सो दिस इज़ माय ओवरऑल व्यू। बाकी आप ज़्यादा बेटर देख सकते हो टेस्ट राइड करके।